Hello everyone, I am Mantar. As you know, from the class 12 macroeconomic term 2 national income and related aggregate units की होती है। ये इसका फोर्थ पार्ट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, जिसमें हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड कि किस प्रकार से हम वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। यदि आपको नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नेशनल इनकम रेफर टू द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट of a country as a reward of their productive service in the given year. National income से मतलब वो होता है जो normal residence के द्वारा factor income earn की जाती है, किसके किसके बदले में productive service provide कराने के बदले में in a given year. That is called national income. अब productive service क्या होता है? पहले income generate होती है, income के बाद क्या होगा? जब किसी की इनकम होती है तो क्या वो घर में बचा के रखता है? नहीं, वो उसको एक्सपेंड कर देता है। जब वो एक्सपेंडिचर की जाती है, एक्सपेंड किया जाता है वो पैसा, तो वो क्या होता है, किसी की इनकम बन जाती है। यानी आप जब पैसा खर्च करने, कंज्यूमर क्या करता है, मार्केट में जाता है पैसा खर्च करने, तो वो जो उसको जिससे वो सामान खरीदता है तो वो उसकी इनकम बन जाएगी, जिससे कि वो सामान खरीदता है। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय द थ्री डिफरेंट मेथड। नेशनल इनकम को तीन मेथड से मेजर किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है आपका? वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा है आपका इनकम मेथड और तीसरा है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है, वैल्यू एडेड मेथड यानी नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं। वैल्यू एडेड यानी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी वैल्यू एड की जाती है, यानी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी वैल्यू एड की जाती है किसी वस्तु में, तो उसको एड करके क्या निकाला जाता है, नेशनल इनकम। इनकम मेथड, इनकम मेथड में क्या होगा कि जितनी भी इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी के अंदर, उसको ऐड करके इनकम मेथड के द्वारा क्या करा जाता है, नेशनल इनकम को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इकोनॉमी में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उनको काउंट करके क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा नेशनल इनकम काउंट की जाती है। इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल थ्री मेथड गिव द सेम वैल्यू ऑफ द नेशनल इनकम। यानी ये तीनों मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों मेथड के द्वारा जो इनकम जनरेट मतलब नेशनल इनकम फाउंड आउट करती है, तीनों का अंतर सेम बनता है। ये नहीं कि वैल्यू एडेड से अलग आ रहा है, इनकम मेथड से अलग आ रहा है या एक्सपेंडिचर मेथड से अलग आ रहा है, तीनों का आंसर सेम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल एक मेथड को तैयार करेंगे, या वैल्यू एडेड कर लिया, या इनकम मेथड कर लिया, या एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया, आपको तीनों मेथड प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जब नेशनल इनकम मेजर करने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से फॉर्मूला लगा देंगे कि आपके मन हुआ वैल्यू एडेड लगा दिया, आपका मन हुआ इनकम मेथड लगा दिया, या आपका मन हुआ एक्सपेंडिचर मेथड लगा दिया। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको फाइंड आउट करना होगा कि उसमें कौन सा मेथड लगेगा। आप अपनी मर्जी से उसमें मेथड नहीं यूज कर सकते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मेथड को यूज करना होगा। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड रेफर टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू। वैल्यू एडिशन से मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ द वैल्यू यानी किसी वस्तु में, किसी रॉ मटेरियल में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या करना है, इंटरमीडिएट गुड्स में, रॉ मटेरियल में वैल्यू को एड करना। बाय ए फर्म, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा, बाय वर्चू द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यानी एक फर्म क्या करता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के द्वारा क्या करता है, वैल्यू एड करता है। किसमें करता है, रॉ मटेरियल में। यानी जब एक फर्म रॉ मटेरियल में वैल्यू एड करती है वो क्या कहलाता है, वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर? इट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटरप्राइज टू द करंट फ्लो ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। यानी हमारे इकोनॉमी में करंटली, करंटली मतलब इस टाइम कितने गुड्स और सर्विस एट प्रेजेंट हैं। इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये किसका डिफरेंस है, यानी वैल्यू एडेड किसका डिफरेंस है, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वैल्यू वैल्यू एडेड बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू इनपुट, या वैल्यू एडेड, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जैसे कि रॉ मटेरियल होते हैं हमारे, इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। इनको क्या बोला जाता है, नॉन फैक्टर इनपुट। कैसे नॉन फैक्टर इनपुट, जैसे कि हमारे रॉ मटेरियल हो गए, फ्यूल हो गए, पावर हो गई, विच आर यूज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्शन, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है, किसकी प्रोसेस में यूज किया जाता है, प्रोडक्शन की प्रोसेस में, जिस चीज को यूज किया जाता है
वो क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कोर्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या आएगा आपका, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, तो इनको क्या बोला जाता है, नॉन फैक्टर इनपुट्स भी बोला जाता है। क्लियर? इनपुट क्या हुआ, जो हमने रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया, यानी जिसको हमने यूज किया प्रोसेस, मतलब जो प्रोडक्टिव सर्विस हो उसको। क्लियर? नोट व्हेन डोमेस्टिक कंजम्पशन इज गिवन, यानी डायरेक्टली यदि आपके क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो उसमें क्या होगा, डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो वैल्यू होगी उसको पुट कर देंगे। लेकिन यदि डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू पुट नहीं है तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना होगा, उसमें गिवन होगा डोमेस्टिक कंजम्पशन, और यदि उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन में हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट्स को प्लस कर देंगे। तो जैसे कि ये फॉर्मूला बना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट। क्लियर? तो या तो डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन होगा तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यदि डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन गिवन होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम इम्पोर्ट को प्लस करके वहां पर पुट कर देंगे। क्लियर? इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू 1200, इसमें क्या फाइंड आउट करना है हमें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू क्या दी है, 1200। और क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए सपोज आपको इम्पोर्ट भी दिया हुआ है, इम्पोर्ट की वैल्यू क्या है आपकी, 300, तो क्या क्या आप उस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में 300 प्लस करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू है 1200, और जो ये 1200 है इसमें 300 जो इम्पोर्ट की वैल्यू है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, एज इम्पोर्ट आर ऑलरेडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर हुआ? यदि क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है तो हम उसको पुट कर लेंगे, उसमें इम्पोर्ट्स को प्लस नहीं करेंगे। इम्पोर्ट्स को प्लस कब करेंगे, कि जब हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन गिवन होगा, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेकेंड वन, परचेज ऑफ द रॉ मेटीरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक फर्म। अब इसमें डोमेस्टिक गिवन है तो ये डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, इसमें हमें इम्पोर्ट को प्लस करना होगा। डोमेस्टिक का क्या कितनी वैल्यू है इसकी, 500। अब इम्पोर्ट भी गिवन है, इम्पोर्ट कितना है, 100, क्या हम इसको प्लस करेंगे, यस, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक गिवन है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू 500 प्लस 100, ये क्या हो गया आपका, 600। इम्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड एट इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल इज फ्रॉम द डोमेस्टिक फर्म। डोमेस्टिक फर्म में हम इम्पोर्ट को प्लस करकर ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, हम इम्पोर्ट को प्लस कर देंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक हुआ या हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ, डोमेस्टिक कंजम्पशन या इंटरमीडिएट, इसको बोला जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है हमारा, 1000, इम्पोर्ट कितना है हमारा, 200। तो जब डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो हम इसको, इसमें क्या करेंगे, इम्पोर्ट की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इम्पोर्ट की वैल्यू हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, मीन रॉ मटेरियल में ऑलरेडी इंक्लूड है। क्लियर? अब आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल इट रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो भी एक साल के अंदर हमारे मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विस प्रोवाइड की गई है, पर भी उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, किसकी मार्केट वैल्यू होगी, इकोनॉमी में उपस्थित क्या, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई है एक साल के अंदर, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स भी बोला जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल, सेल को कैसे करेंगे हम, इसका मैंने बताया था आपको, सेल्स, सेल्स के प्लस क्या आ जाएगा आपका, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ये किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सेल यदि डायरेक्ट गिवन है सेल, तो आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यदि डायरेक्टली उस सेल की वैल्यू पुट नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। सपोज क्या है, किसी वस्तु की कीमत क्या है, 10 रुपए पर केजी है, और उसकी कितनी क्वांटिटी होगी, सेल 100, तो टोटल सेल हमारी क्या आ जाएगी, 1000, कितनी आ जाएगी, 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक यदि डायरेक्टली गिवन है तो हम डायरेक्टली पुट करेंगे, यदि डायरेक्टली गिवन नहीं है तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
एरिया वाइज सेल्स यदि डायरेक्ट गिवन है तो डायरेक्टली यूज करेंगे, नहीं गिवन है तो प्राइस एंड क्वांटिटी कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सपोज हमारा 200 है और ओपनिंग स्टॉक हमारा 100 है, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू जाएगी वो 100 के बराबर हो जाएगी। ये क्या है हमारा, चेंज इन स्टॉक। ये 100 की वैल्यू किसकी आई है, चेंज इन स्टॉक व्हेन डोमेस्टिक सेल इज गिवन। इसी तरह से जैसे हमारा क्या था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलता था, जैसे हमारा क्या था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैसे फाइंड आउट करते थे, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट। इसी तरह से यदि सेल डायरेक्टली गिवन है तो हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे, नहीं तो यदि डोमेस्टिक सेल गिवन है तो उसमें हम किसको प्लस करेंगे, एक्सपोर्ट को। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल में यदि हम एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं तभी हमारी क्या निकलेगी, सेल। क्या लिखेगी, सेल। डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट तभी तो होगी हमारी, क्या बनेगी, सेल। क्लियर। अब क्या दिया, डोमेस्टिक सेल, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक ये किसका फॉर्मूला हुआ, वैल्यू आउटपुट का। सेल का यदि सेल गिवन नहीं है तो सेल का फॉर्मूला क्या हुआ, प्राइस इनटू क्वांटिटी। यदि चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी सेल है कितनी, 2000, यानी इसमें जो प्राइस इंटू क्वांटिटी करना था उसकी नीड नहीं है। अब एक्सपोर्ट कितना है हमारा, 400। एक्सपोर्ट यदि 400 है तो ऑलरेडी सेल्स में वो क्या होगा, प्लस होगा ना, सेल में ऑलरेडी इंक्लूड होगा। तो सेल क्या रखी जाएगी हमारी, 2000। क्या इसमें हम इसको ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट को, नहीं ऐड करेंगे। यदि डोमेस्टिक सेल गिवन होता तो ही हम एक्सपोर्ट को प्लस करते। क्लियर। एज एक्सपोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ सेल, तो डोमेस्टिक सेल गिवन है, इसमें क्या हुआ, एक्सपोर्ट ऑलरेडी क्या था, पुट था, तो इसमें हमने एक्सपोर्ट को प्लस नहीं किया। सेकेंड वन, डोमेस्टिक सेल क्या हुई हमारी, 700। ये है डोमेस्टिक, यानी डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। यदि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालनी है तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट और प्लस क्या कर देंगे इसमें, चेंज इन स्टॉक, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा हमारा क्या निकला, सेल। क्या निकला ये, सेल। सेल का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। और उसके बाद यदि वैल्यू ऑफ आउटपुट इसमें और निकालनी है तो इसमें प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा हमें, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, एग्जांपल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले हमने दिया, सपोज अ बेकर नीड ओनली फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड। एक बेकर को प्रोड्यूस करने के लिए, ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए किसकी आवश्यकता है, ओनली फ्लोर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, फ्लोर की आवश्यकता है। फ्लोर की आवश्यकता किसको है, बेकर को। फ्लोर किसके पास मिलेगा, मीलर के पास। बेकर को क्या बनाना है, ब्रेड बनाना है। He purchased फ्लोर at input worth 500। जो वो फ्लोर है, मीलर के द्वारा जो फ्लोर मिला है वो कितनी वैल्यू है उसकी, 500 फ्रॉम द मीलर एंड देन बाय द वर्च्यू इट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यानी जो बेकर था उसने अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के द्वारा उसको किसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी, फ्लोर में, और उसने क्या बनाया, उसको कन्वर्ट कर दिया ब्रेड में। फ्लोर को किसमें कन्वर्ट किया, ब्रेड में। और उसको जो उसकी सेलिंग वैल्यू हुई, यानी जो परचेजिंग वैल्यू कितनी थी, 500। प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऐड करने के बाद उस ब्रेड की वैल्यू कितनी होगी, 700 रुपी। क्लियर। तो अब इसमें प्रोसेस कैसे कैसे हुई और क्या इनपुट है आपका, क्या आउटपुट है और कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। फ्लोर इज एन इनपुट। फ्लोर क्या हुआ हमारा, इनपुट हुआ। फ्लोर क्या हुआ, इनपुट, इंटरमीडिएट सोर्स एंड इट्स वैल्यू इज 500 रुपी। यानी फ्लोर क्या हुआ हमारा, इनपुट हुआ। इनपुट को क्या बोला गया, इंटरमीडिएट कुछ बोला गया। इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 500 रुपी एज द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसकी वैल्यू के द्वारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के द्वारा। एंड ब्रेड इज द आउटपुट एंड इट्स वैल्यू इज 700। फ्लोर क्या हुआ, इनपुट। ब्रेड क्या हुआ, आउटपुट। एंड इट्स वैल्यू इज 700। इट टर्म्ड एज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला क्या था हमारा, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है हमारा, इनपुट है। क्लियर। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज टर्म्ड एज द वैल्यू एडेड।
जो डिफरेंस है किसकी, किसका डिफरेंस है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का माइनस किसका हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, उसको क्या बोला गया, वैल्यू एडेड। क्लियर हुआ इतना आपको? वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इज आल्सो नोन द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस प्राइस, यानी सभी सेक्टर के द्वारा, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, सभी सेक्टर के द्वारा जो हमें ये वैल्यू एडेड मिलती है उसको क्या बोला जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इस पर एट मार्केट प्राइस, यानी GVAMP, क्या बोला जाएगा इसको, GVAMP। जब हम इन तीनों का सम कर देंगे, किसका, GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVAMP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GVAMP ऑफ टर्शरी सेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सिग्मा GVAMP, यानी तीनों को हमने प्लस कर दिया। और जो ये GVAMP है ये किसके बराबर होता है हमारा, GDPMP। अब ये GDPMP आपने कहीं पढ़ा है, GDPMP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको जो एग्रीगेट्स पढ़ाए गए थे इससे पहले वीडियो में, उसमें आपने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो उससे आप क्या करेंगे, नेशनल इनकम पर इजीली जा सकते हैं। आपने देखा था ना किस तरह से कन्वर्जन किया था हम लोगों ने। अब देखते हैं स्टेप ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, यानी स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वैल्यू एडेड मेथड को यूज किया जाता है। सबसे पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्टिव यूनिट, यानी जितनी भी प्रोडक्टिव यूनिट है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर क्लासिफाई करेंगे। मीन क्या हुआ, यानी द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई ऑल द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ऑफ एन इकोनॉमी, यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों सेक्टर में जो भी हमारा GVA बना, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, यानी टोटल क्या बनाएंगे, सिग्मा GVAMP। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या होगा, एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी GDPMP को हम एस्टिमेट करेंगे। GDPMP किसके बराबर होता है हमारा, सिग्मा GVAMP, यानी इन द सेकेंड स्टेप ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ऑफ ईच सेक्टर, ईच सेक्टर से मतलब हुआ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, सम टोटल ऑफ द GVAMP ऑफ ऑल सेक्टर्स गिव द GDPMP। ये बताया ना सिग्मा GVAMP किसके बराबर होगा, GDPMP के बराबर। GDPMP फाइंड आउट हो गया, GDPMP से हम LNPFC पर आराम से पहुंच जाते हैं। LNPFC का मतलब क्या होता है हमारा, नेशनल इनकम। स्टेप थ्री क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, तीनों सेक्टर की क्या करी हमने, GVAMP निकाली और उनको प्लस कर दिया। दूसरे पॉइंट पर हमने क्या किया, सिग्मा GVAMP इक्वल टू GDPMP के बराबर होता है, ये हमें पता है, तो GDPMP फाइंड आउट होगी हमारी। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम का जो एग्रीगेट होता है वो होता है NDPFC। यदि मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि आप डोमेस्टिक इनकम निकालो तो आप NDPFC निकालेंगे, अदरवाइज इसको निकालने की नीड नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे हम, NDPFC, NDPFC कैसे फाइंड आउट करेंगे, किससे, NDPFC किससे जाना है हमें, GDPMP से कहाँ जाना है, NDPFC। ये दीदी हमें NDPFC फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है हमारे पर, GDPMP। तो ग्रोथ से नेट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, सबसे पहले माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, एमपी से एफसी पर जाना है, एमपी से एफसी पर जाने के लिए माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, NDPFC, NDPFC में डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम से यदि हम नेशनल इनकम पर जाना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लस करना पड़ेगा हमें NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। फोर्थ स्टेप, एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIA टू अराइव एट नेशनल इनकम। इन द फाइनल स्टेप NFIA इज एडेड टू द डोमेस्टिक इनकम टू अराइव एट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम NNPFC इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA। क्लियर? यानी डोमेस्टिक इनकम में, यानी NDPFC में जब हम NFIA प्लस कर देंगे तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, नेशनल इनकम। चारों स्टेप क्लियर हुए? देखो इसके चार्ट पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, GVAMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इसमें प्लस किया, GVAMP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, उसमें प्लस किया, GVAMP ऑफ टर्शरी सेक्टर। जब हमने इन तीनों सेक्टर को प्लस कर दिया तो हमें क्या मिल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी GDPMP। इसको GDPMP किसके बराबर होता है, सिग्मा
जीबीए एमपी के बराबर। अब जीडीपी एमपी से हमें कहाँ जाना है, डोमेस्टिक इनकम पर यानी एनडीपीएफसी पर। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें जीडीपी एमपी में से यदि हम माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर देते हैं तो हमें मिलती है डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाने के लिए केवल हमें एक स्टेप करना होगा, वो होगा प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर। प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, यानी जब हम वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशन रखनी चाहिए जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कोई भी डिफिकल्टी ना आए। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में मेजर नहीं किया जाता है। क्यों? देखो जो गुड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में मेजर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं किया जाता है। फाइनल गुड्स को इसलिए फाइनल इंक्लूड के साथ इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड होते हैं। यदि हम उसको दोबारा से इंक्लूड करते हैं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी। देखो सिंस सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, मीन इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। इफ दे आर इंक्लूडेड अगेन, यदि उनको दोबारा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, इट विल लीड द डबल काउंटिंग की किसकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। अब ये डबल काउंटिंग क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे, इस पे अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज डबल काउंटिंग और इसकी प्रॉब्लम से कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यानी इससे कैसे बचा जा सकता है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग रेफर टू द काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट, आउटपुट मोर देन वंस, यानी आउटपुट में मोर देन वंस एक से ज्यादा इंक्लूड होना, व्हाइल पासिंग थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है, जो फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट के गुड को वैल्यू को बार बार इंक्लूड किया जाता है अगेन एंड अगेन। कैसे? सबसे पहले एक फार्मर होता है, वो अपने बीट को सेल करता है कितने, 500 रुपए में सेल कर देता है, किसको, मीलर को। फार्मर मीलर को 500 रुपए में वीट को क्या करता है, सेल कर देता है। और मीलर क्या करता है, उसमें वैल्यू ऐड करके क्या करता है, उसका फ्लोर बना देता है, यानी प्रोडक्टिव प्रोसेस करने के बाद उसमें क्या करता है, उसका फ्लोर बनाता है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 700 रुपए। यदि 500 और 700 को प्लस कर दिया जाता है तो क्या होगा, इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बन जाएगी। क्यों? क्योंकि 700 रुपए में 500 रुपए ऑलरेडी इंक्लूड है, 500 फार्मर से उसने परचेज किया था और 200 की उसने क्या की, उसमें वैल्यू ऐड की, ठीक है ना। 700 और 500 को यदि हम प्लस कर देंगे तो 500 की काउंटिंग दो बार हो जाएगी, 500 प्लस 700, 700 में 500 की वैल्यू, यानी जो वीट की वैल्यू थी वो ऑलरेडी इंक्लूड थी। अब मीलर ने उसको कहाँ बेच दिया, बेकर को बेच दिया, बेकर ने क्या की, उसमें प्रोडक्टिव प्रोसेस की और उसको किस में बदल दिया, ब्रेड में बदल दिया, और जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपी। अब इस 1000 रुपी में ब्रेड की वैल्यू, सॉरी फ्लोर की वैल्यू, यानी 700 ऑलरेडी इंक्लूड है। यदि इसमें हम ऐसे करते हैं 500 प्लस 700 प्लस 1000 तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, डबल काउंटिंग दिख रही है ना आपको, क्योंकि 700 में 500 ऑलरेडी है और 1000 में 700 ऑलरेडी है। जब कंज्यूमर को ब्रेड बेची गई तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपी थी। क्लियर। तो उसमें ये 700 वैल्यू वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड थी, इसको हम दोबारा दोबारा काउंट नहीं करेंगे। इसलिए जब नेशनल इनकम मेजर की जाएगी तो ओनली फाइनल वैल्यू देखी जाएगी कि जो कंज्यूमर को जितने रुपए में वो सेल आउट की गई। अ केयरफुल एग्जामिनेशन रिवील दैट ईच ट्रांजेक्शन कंटेन द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, यानी सभी में, यानी जैसे मीलर ने फ्लोर बनाया, फ्लोर में ऑलरेडी वीट की वैल्यू इंक्लूड थी। क्लियर। जैसे बेकर ने ब्रेड बनाई तो उसमें फ्लोर की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड थी, फ्लोर में वीट की वैल्यू इंक्लूड थी और ब्रेड में फ्लोर की वैल्यू इंक्लूड थी। देखो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैल्यू ऑफ वीट इज इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ फ्लोर, जो फ्लोर की वैल्यू है वो वैल्यू वीट, उसमें वीट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड थी। द वैल्यू ऑफ वीट इज इंक्लूडेड, वैल्यू किसकी, वीट की इंक्लूड है, किसमें, वैल्यू ऑफ फ्लोर में। और वैल्यू ऑफ फ्लोर इज इंक्लूडेड
वैल्यू ऑफ फ्लोर इंक्लूड है जिसमें वैल्यू ऑफ रेंट में, क्लियर हुआ। अब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, यानी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो फाइनल आउटपुट मेथड, दूसरा क्या हुआ वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में फाइनली जो भी जितनी वैल्यू में कंज्यूमर को सेल आउट किया गया, या तो हम उसकी वैल्यू को ले लें, या वैल्यू एडेड मेथड में क्या होगा ओनली हम वैल्यू को ऐड करें। अभी मैं बताती हूँ उसको। सबसे पहले ले लेते हैं फाइनल आउटपुट मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ऑन दी फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए केवल हम फाइनल गुड्स की वैल्यू या को क्या करेंगे इंक्लूड करेंगे। इन द एग्जांपल वैल्यू ऑफ ब्रेड, ब्रेड की वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या थी हमारी, ब्रेड थी, उसकी वैल्यू कितनी थी 1000 रुपीज थी। तो हम नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे केवल। फाइनल कंज्यूमर शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम, यानी फाइनल कंज्यूमर के पास जिस वैल्यू में जितने रुपए की वो चीज गई है उसी को हम इसमें रखेंगे। क्लियर हुआ। यानी फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होगा, फाइनल गुड्स की ही वैल्यू को क्या किया जाएगा नेशनल इनकम में पुट किया जाएगा। वैल्यू एडेड मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम, यानी केवल जो हमारी जो होगी आपकी वैल्यू एडेड, मीन क्या हुआ जो हमारे फार्मर था उसने जो वीट बेचा वो कितने का था 500, तो उसकी फाइनल जो वैल्यू थी वो कितनी थी 500 के बराबर। उसके बाद हमारे उसने क्या बेचा, फाइनल फार्मर ने किसको बेचा था, हमारा मिलर को। मिलर ने उसका क्या किया 700 का फ्लोर बना दिया, तो वो उसमें कितनी वैल्यू ऐड की 200। देखो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले उसकी वैल्यू कितनी थी 500 के बराबर, उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी थी 700 के बराबर। यदि उस 700 में से 500 माइनस कर देते हैं तो कितनी वैल्यू ऐड की मिलर ने 200 के बराबर। क्लियर। फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड की 500 के बराबर, मिलर ने कितनी वैल्यू ऐड की 200 के बराबर, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 700। उसके बाद जो हमारा बेकर था उसने कितनी वैल्यू ऐड की 1000 के बराबर थी, और 1000 माइनस यदि हम 700 करते हैं तो उसने 300 के बराबर वैल्यू ऐड की, और टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1000। क्लियर हुआ। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम, यानी हर उसमें हर एक टैप में कितनी वैल्यू ऐड की गई उस वैल्यू को सम अप करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इन द गिवन एग्जांपल वैल्यू एडेड बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा कितनी वैल्यू एड की है 500, मीलर के द्वारा कितनी की गई 200, बेकर के द्वारा कितनी की गई 300, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1000 शुड बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, यानी जो फाइनल वैल्यू होगी जो टोटल वैल्यू होगी इसकी 100, इसको ही हमें नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम जीरो को प्लस कर कर काउंट करें। क्लियर हो। सेकेंड वन, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। जो सेल परचेज करते हैं हम सेकेंड गुड्स का, सेकेंड हैंड गुड्स जो होते हैं पुरानी वस्तु होती है हम तो सेल परचेज करते हैं उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जब उसको प्रोड्यूस किया गया था, जब उसमें उस पर वैल्यू एड की गई थी तब उसको नेशनल इनकम में काउंट किया गया था। दोबारा से उसे सेल परचेज करने में कोई भी वैल्यू एड नहीं की गई है तो उसको नेशनल इनकम में एड नहीं किया जाएगा। डोमेस्टिक सर्विस सॉरी एज दे वर इंक्लूडेड इन द ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस एंड डू नॉट एड टू द करंट फ्लो ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी करंट फ्लो में उसमें कोई भी गुड्स और सर्विस एड नहीं की गई, ठीक है। हाउएवर एनी कमीशन और द ब्रोकेज ऑन सेल और परचेज ऑफ द सच गुड विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी कमीशन को और ब्रोकेज को, उसकी सेल परचेज में जितना कमीशन होगा जितना ब्रोकेज होगा उसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, लेकिन उसकी सेल परचेज पर कोई भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि जो उसका एडिशन था वो न्यू ईयर में नहीं हुआ है, लास्ट ईयर में या जिस टाइम में उसको प्रोड्यूस किया गया था उसकी वैल्यू को उसी समय में मेजर कर लिया गया था नेशनल इनकम में। थर्ड वन, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड, यानी जो डोमेस्टिक सर्विस होती है या प्रोडक्शन ऑफ सर्विस किसका, जिसका सेल्फ कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस जिसका सेल्फ कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस यानी डोमेस्टिक सर्विस। इससे क्या मतलब हुआ,
जैसे कोई डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज करता है तो क्या वो उसका पैसा लेता है? कोई टीचर होता है अपने बच्चे को पढ़ाता है, क्या वो उसका पैसा लेता है? या कोई मदर अपने घर में घर के जो मेंबर्स होते हैं या बच्चे की सेवा करती है या उसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है तो क्या उसका पेमेंट किया जाता है? या उसके पेमेंट को मेजर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए नेशनल इनकम में इन चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता। डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, हाउसवाइफ की सर्विस होगी, किचन गार्डनिंग की सर्विस हो गई, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे टीचर की हो, चाहे हाउस वाइफ की हो, जिसका पेमेंट नहीं होता है या वो अपने बच्चों के लिए उसको क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, तो उसका क्या होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू, क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू को मेजर करना बहुत मुश्किल होगा। दीज सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम एट होम एंड नेवर एंटर द मार्केट प्लेस। क्योंकि ये जो सर्विस कंज्यूम की जाती है या दी जाती है, क्या होती है, कंज्यूम की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है, इसकी मार्केट वैल्यू पता करना बहुत मुश्किल होता है। एंड आर टर्म्ड एज द नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, और इनको नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन? क्योंकि इसके बदले में कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट पेड सर्विस लाइक सर्विसेज ऑफ मेड, और मेड की सर्विस हो गई, ड्राइवर की हो गई या प्राइवेट ट्यूटर की हो गई, क्योंकि हम मेड को भी प्रोवाइड करते हैं, मेड सर्विस देती है, हम उसके बदले में उसको पेमेंट करते हैं, ड्राइवर सर्विस देता है तो हम उसके बदले में भी पेमेंट करते हैं, और कोई ट्यूटर अपनी सर्विस देता है या हमारे बच्चों को पढ़ाता है तो हम उसको पे करते हैं, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी जो हम अपने बच्चों के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई सेवा देते हैं उसके बदले में कोई भी पेमेंट नहीं होता, और उस सर्विस को या उसकी मार्केट वैल्यू को नेशनल इनकम में मेजर नहीं किया जाता है। लेकिन मेड की, ड्राइवर की या ट्यूटर की या अदर कोई भी सर्विस होगी उसके बदले में जो पेमेंट किया जाता है उसको नेशनल इनकम में मेजर किया जाता है। नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। अब ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है उसको इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ सर्विस को सेल्फ कंजम्पशन की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन क्या हुआ? सपोज एक फार्मर है, उसने अपने फार्म में क्या किया, 5,000 रुपए की क्या करी, जो वेजिटेबल्स थी वो प्रोड्यूस करी, और उसने क्या किया, उसमें से 1,000 रुपए की जो वेजिटेबल्स थी अपने घर में कंज्यूम कर ली, तो मार्केट में कितनी गई है, 4,000 रुपए। क्लियर? जो ये 1,000 रुपए की उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज की, इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे देश में प्रोड्यूस हो रही है, खेती खेती की जा रही है, फार्म की जा रही है, तो फार्मर ने क्या किया, इसमें वैल्यू ऐड की, और जहां पर वैल्यू ऐड होगी तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, भले ही उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया गया। क्लियर? इन द नेशनल इनकम एज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट। क्लियर? कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें हुआ, उसका करंट आउटपुट में, जब करंट आउटपुट में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसको इंक्लूड करेंगे। देयर वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड एज दे आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट, यानी जो हमने उसको इम्प्यूटेड वैल्यू ली कि कितनी वेजिटेबल्स या कोई भी फसल जो हमने अपने कंजम्पशन के लिए यूज की उसकी क्या करेंगे, इम्प्यूटेड वैल्यू निकालेंगे, इम्प्यूटेड यानी हम मार्केट वैल्यू उसके निकाल कर उसको उसमें क्या करेंगे, नेशनल इनकम में एड कर दें। 5th, इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। यानी इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेड वैल्यू किसके लिए है, ओनर ऑक्यूपाइड द हाउस, यानी एक व्यक्ति है उसका अपना घर है, क्या वो उसका रेंट देगा, नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, क्या उसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा? यस, उसको काउंट किया जाएगा। कैसे काउंट किया जाएगा, कि जो उस व्यक्ति का मकान है यदि वो उस पर रेंट पर देता है या उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी कि रेंट की, सपोज उसको 10,000 रुपीज यदि वो मकान रेंट पर देता है, अभी तो वो अपने आप रह रहा है, वो उसको रेंट पर देता है 10,000 रुपीज में, तो इस 10,000 रुपीज को भले ही वो पे ना करे, रेंट के बदले में ना दे, इसको नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा, यानी उसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी कि यदि आपने मकान को रेंट पर न देकर अपने आप अपना मकान यूज कर रहे हैं, उसकी सर्विस एंजॉय कर रहे हैं, तो जो उसकी इम्पुटेड वैल्यू होगी, यानी उसका यदि आप उसे रेंट पर देते हैं तो जो
उसकी वैल्यू होगी रेंट की, उसको क्या करेंगे हम रेंटल इनकम में काउंट कर देंगे। कैसे? पीपल हु लिव इन देयर ओन हाउस, पीपल जो अपने घर में रहते हैं डू नॉट पे द रेंट, रेंट को पे नहीं करते, क्योंकि तो कोई भी अपने मकान का रेंट क्यों पे करेगा। बट दे एंजॉय हाउसिंग सर्विस, वे हाउसिंग सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं। सिमिलरली ऑफ दोज पीपल हु स्टे इन द रेंटेड हाउसेस, किस तरह से, जैसे कि रेंट रेंट पर क्या रहता है, कोई व्यक्ति रेंटिंग हाउस पर रहता है, यानी रेंट पर यदि कोई व्यक्ति रहता है तो वो जिस तरह से वो सर्विस क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, इस तरह से वो व्यक्ति भी करता है जो ओनर होता है अपने मकान का, उसका कोई भी रेंट पे न करके भी वो क्या करता है, वहां की सर्विस को एंजॉय करता है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ सच हाउसिंग सर्विस इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेंट, यानी उस हाउस की मार्केट रेंट के अकॉर्डिंग क्या कर ली जाती है, उसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर लिया जाता है। किसकी वैल्यू को, जिसमें कि कोई ओनर अपने मकान पर रहता है, उसका रेंट न देकर उसकी वैल्यू पर क्या कर ली जाती है, एस्टिमेटेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसको जान ली जाती है ऑफ द सिमिलर अकोमोडेशन। सच एन एस्टिमेटेड रेंट, जो ये एस्टिमेटेड रेंट होता है उस ओनर का, इज नोन द इम्प्यूटेड रेंट। और इस इम्प्यूटेड रेंट को जानकर क्या करते हैं, क्यों मालूम करते हैं इम्प्यूटेड रेंट को, क्योंकि उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। क्लियर? चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। अब ये तो हमारे फॉर्मूले में भी था कि चेंज इन स्टॉक को हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसे नेट स्टॉक भी बोल सकते हैं। नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द इन्वेंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। जो चेंज इन स्टॉक है वो क्या है, हमारे कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। इसको क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो इसके जो प्रिकॉशन होंगे वो क्या क्या होंगे आपके, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्यों, क्योंकि ये फाइनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। दूसरा क्या हुआ, सेल एंड परचेज ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन हुआ था वो हमारा प्रीवियस ईयर में हुआ था, पहले ही प्रोडक्शन को नेशनल इनकम में हम इंक्लूड कर चुके हैं। थर्ड वन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज की जाती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, क्यों, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू निकालने बहुत मुश्किल होती है। फोर्थ वन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसको हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो जो गुड्स हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें भी वैल्यू ऐड हुई है, और जिसमें वैल्यू ऐड हुई है उसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। फिफ्थ वन, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड, जो इंपोर्टेड वैल्यू होती है यानी जो व्यक्ति अपने मकान में रहता है, उसका कोई रेंट नहीं देता है, तो उसकी इंपोर्टेड वैल्यू को निकाल लिया जाता है और उस इंपोर्टेड वैल्यू को क्या करते हैं, नेशनल इनकम में हम काउंट करते हैं। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड, जो चेंज इन स्टॉक होता है उसको भी हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ एनीबडी वॉन्ट वीडियो ऑन एनी टॉपिक प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन योर टॉपिक एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।